अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ रिलेटेड टू डेंटल सीमेंट, जिंक ऑक्साइड, यूजिनोल सीमेंट। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेनेशन, इफ यू वांट टू वॉच द सेम लेक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई ऑलरेडी अपलोड द सेम लेक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन माई यूट्यूब चैनल, गो एंड वॉच दैट वीडियो। बट इफ यू वॉन्ट टू वॉच इन उर्दू हिंदी, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो आज हमारा टॉपिक है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट, जिसको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट की प्रेजेंटेशन फॉर्म, कि जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट किस फॉर्म में अवेलेबल है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मेनली ये दो फॉर्म में मौजूद हैं, एक है पाउडर लिक्विड और दूसरा है टू फेस्ड सिस्टम। सबसे पहले पाउडर लिक्विड की कंपोजिशन। पाउडर लिक्विड में जो है, जो पाउडर होगा उसमें जिंक ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा और जिंक एसीटेट होगा। पाउडर में जो जिंक एसीटेट है वो एक्सीलरेटर के तौर पर काम करता है, वो रिएक्शन को फास्ट करेगा। दूसरा जो लिक्विड है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें यूजिनोल होगा, ओलिव ऑयल होगा, एसिटिक एसिड होगा, और एसिटिक एसिड जो है वो लिक्विड में एक्सीलरेटर के तौर पर काम करेगा, रिएक्शन को फास्ट करेगा। तो ये हुआ कंपोजिशन पाउडर लिक्विड पंप। दूसरा हमारे साथ है टू फेस्ड सिस्टम। अब टू फेस्ड सिस्टम की कंपोजिशन क्या है, ये दो जैसा कि टूथपेस्ट है उस तरह पेस्ट की सूरत में अवेलेबल होगा। एक पेस्ट जो होगा वो बेस होगा और दूसरा कैटलिस्ट होगा। इन दोनों को हम इक्वल लेंथ में लेंगे ग्लास स्लैब पर या पेपर पेट पर, फिर इसको मिक्स करेंगे। तो ये हुआ प्रेजेंटेशन फॉर्म। दूसरा हमारे साथ है मिक्सिंग। अब इसकी मिक्सिंग हम कैसे करेंगे, मिक्सिंग या तो हम पेपर पेट पे करेंगे, जो इसके साथ जो है जब हम इसको ख़रीदेंगे जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट को, तो उसके साथ पेपर पेड अवेलेबल होता है, तो उस पेपर पेड में जो है बहुत ज़्यादा उसमें यानी पेपर पेड पे बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, हर पेज पर हम अलग अलग, एक पेज पर हम इक्वल अमाउंट में जो है पाउडर टू पे सिस्टम में इक्वल अमाउंट पे हम बेस और कैटलिस्ट लेंगे, फिर उसको पेपर पेड पर मिक्स करेंगे, फिर जिस पेपर पेड पे मिक्स किया वो पेपर पेड पर हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे नेक्स्ट पेपर पेड में। या दूसरा तरीका क्या है, आयतर ऑन पेपर पेड पर मिक्स करेंगे यार और ग्लास स्लैब पे मिक्स करेंगे, फिर मिक्स करने के बाद ग्लास स्लैब को धोएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के दो तरीके, या तो पेपर पेट पे या ग्लास स्लैब पे। अब पाउडर लिक्विड में रेशियो क्या होगा, एट हाई पाउडर लिक्विड रेशियो 4:1, चार हिस्से पाउडर के होंगे, एक हिस्सा क्या होगा, लिक्विड का होगा। तो ये इसका मिक्सिंग है पाउडर लिक्विड का। अगर हमने टू पेस्ट का मिक्स करना है तो पेपर बेड पर इक्वल लेंथ कैटलिस्ट और बेस कर लेंगे और मिक्स करेंगे। अब मिक्सिंग में अगर हमने थिन मिक्स करना है तो उसको टेम्परेरी सीमेंटेशन के लिए, अगर टेम्परेरी सीमेंटेशन के लिए क्रोन ब्रिज को प्रिपेयर टूथ के ऊपर हम अगर सीमेंटिंग करना चाहते हैं, टेम्परेरी सीमेंटेशन के लिए अगर हमने जिंक ऑक्साइड यूजिनोल मिक्स करना है तो थिन मिक्स करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेरी फिलिंग के लिए हमने मिक्स करना है तो थिक मिक्स करेंगे। तो ये मिक्सिंग भी हुआ। तीसरा है सेटिंग रिएक्शन। अब जिंक ऑक्साइड यूजिनोल जो है इसकी सेटिंग रिएक्शन कैसे होती है, जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सेट होता है बाय एसिड बेस रिएक्शन, या इसे कहते हैं चिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। अब इसके दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या है, जिंक ऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा पहले स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जिंक हाइड्रो ऑक्साइड यूजिनोल के साथ मिलेगा, जिंक यूजिनोलेट बनाएगा। अब जो जिंक यूजिनोलेट है ये फाइनल जो सेट सीमेंट है वो है। अब अगर सेट सीमेंट हम देखें उसमें हमारे साथ जिंक यूजिनोलेट होगा और इसके अलावा अनरिएक्टेड जिंक पाउडर
मौजूद होगा, ये सेट सीमेंट में होगा। तो ये है सेटिंग रिएक्शन, टू स्टेप में होगा। सबसे पहले जिंक ऑक्साइड पाउडर लिक्विड जो है वाटर के साथ मिलकर जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में जिंक हाइड्रोक्साइड यूजिनोल के साथ मिलकर के जिंक यूजिनोलेट बनाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो कौन से फैक्टर है जो जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट की स्पीड ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। वो मेनली तीन फैक्टर है जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है पाउडर लिक्विड पाउडर पार्टिकल साइज। अगर पाउडर पार्टिकल साइज कम होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो पाउडर है वो लिक्विड के साथ और एक दूसरे के साथ मतलब जल्दी मिलेंगे, क्योंकि पाउडर पार्टिकल साइज क्या है, छोटा है, तो वो जल्दी उनका रिएक्शन होगा। तो अगर पाउडर पार्टिकल साइज कम है तो रिएक्शन फास्ट होगा। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा। इसलिए अगर हमने क्लिनिकल वर्क करना है गर्मियों में, हमने ये ख्याल रखना है कि ये बहुत जल्दी सेट होता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है गर्मियों में, और सर्दियों में हमने थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है। तीसरा है एक्सेलरेटर, जितना एक्सेलरेटर ज़्यादा होगा कंपोजिशन एक्सेलरेटर का जैसे ऊपर हमने पढ़ा, उतना रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये हमने कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट। अब है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब है कि जिंक ऑक्साइड यूजिनोल की खूबियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। कहाँ, कैरीज, जहाँ कैरीज हो वहाँ पर जो बैक्टीरिया है कैविटी में, उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये क्या करता है, रोकता है। तो ये पहली बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक है। नंबर दो, लो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, ये जो हीट है उसको बहुत कम डिफ्यूज़ करता है जिसकी वजह से पल पल पेन वगैरह नहीं होता है। तीसरा क्या है, अब ऑब्टुंडेंट इफेक्ट। ऑब्टुंडेंट इफेक्ट का क्या मतलब है कि ये पल पल पेन को रिड्यूस करता है, पल का जो पेन है उसको ये जिंक ऑक्साइड यूजिनोल जब भी देंगे ये रिड्यूस करता है। उसके बाद चौथा है हाई सीलिंग एबिलिटी। हाई सीलिंग एबिलिटी का ये मतलब है कि इससे लीकेज नहीं होता है, ये लीकेज को मिनिमाइज़ कर देता है। तो ये है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि ये वीक सीमेंट है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल और ये मेस्टिकेटरी प्रोसेस को विथस्टैंड नहीं कर सकता। तीसरा है इंटरफेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरफेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम एज ए फिलिंग के तौर पर कैविटी में इसको अप्लाई करेंगे तो टूथ के वाल और जिंक ऑक्साइड यूजिनोल के दरमियान दो फेसेस बन गए, इंटरफेशियल टू फेसेस बन गए। इनके दरमियान प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये केमिकली रिटेन है, मैकेनिकली रिटेन है। रिटेंशन किस तरह है, तो इसकी मैकेनिकल रिटेंशन है, यानी ये मैकेनिकली रिटेन है। चौथी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स। एस्थेटिकली ये क्या है, ओपेक है, तो लिहाजा अगर आपने इसको सीमेंटेशन के तौर पर यूज़ करना है किसी मतलब क्रोन के लिए, ब्रिज के लिए, ये तो खुद ओपेक है, लिहाजा ऐसे ब्रिज में यूज़ नहीं करना है जो ट्रांसलूसेंट हो, क्योंकि ये ओपेक है, ये उसमें हमें वाजे दिखाई देगा। तो एस्थेटिकली एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ओपेक। पांचवी जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये ओरल स्लाइवा के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व है, इसलिए वक्त के साथ ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो जिंक ऑक्साइड यूजिनोल की मटेरियल करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, इसकी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिकल, इंटरफेशियल, एस्थेटिक और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। लास्ट में है अप्लीकेशन और यूजेज ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट। तो इसकी अप्लीकेशन और यूजेज जो है वो पाँच है। सबसे पहले इसको हम टेम्परेरी सीमेंटेशन के तौर पर यूज़ करते हैं क्रोन और ब्रिज की। नंबर दो, हम इसे कैविटी लाइनर के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे ऑलरेडी हम यूजेज में पढ़ चुके हैं कैविटी लाइनर क्या है।
और एंडोडोंटिक सीलर के तौर पर यूज़ करते हैं। एंडोडोंटिक में जब हम रूट कैनाल के अंदर फिलिंग मटेरियल डालते हैं तो रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल और बिटवीन टूथ वॉल जो स्पेस होता है वहाँ हम एज अ सीलर के तौर पर यूज़ करते हैं, टेम्परेरी फिलिंग के तौर पर यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग के तौर पर यूज़ करते हैं। वहाँ हमने यूजेज में डायरेक्ट पल्प कैपिंग की बात की, यहाँ क्या है इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, ये क्या है। अब डायरेक्ट पल्प कैपिंग और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है, बात ऐसी है जब हम टूथ कैविटी प्रिपेयर करते हैं या ऑलरेडी कैविटी है, अगर कैविटी के पल्प के ऊपर कुछ डेंटिन मौजूद हो, कम्प्लीटली पल्प एक्सपोज ना हो, तो वहाँ हम जब जिंक ऑक्साइड इजिनोल पल्प के कैप के तौर पर देंगे, कुछ डेंटिन मौजूद हो डायरेक्टली एक्सपोज ना हो पल्प, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग। अगर पल्प कम्प्लीटली एक्सपोज है, उसके ऊपर कोई डेंटिन वगैरह नहीं है, फिर जब हम जो है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल अगर हम देंगे तो उसे कहते हैं डायरेक्ट पल्प कैपिंग। अब डायरेक्ट पल्प कैपिंग में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, जिंक ऑक्साइड यूजिनोल हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये टिश्यू इरिटेंट है, ये क्या करेगा, ये जो पल्प है उसको इरिटेट करेगा। लेकिन इसको हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग के तौर पर देते हैं। डायरेक्ट पल्प कैपिंग के तौर पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, क्यों देते हैं, ताकि वो टर्शरी या रिपेरेटिव डेंटिन बनाए। तो आज हमने जिंक ऑक्साइड यूजिनोल का टॉपिक पढ़ लिया, तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।